आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से दिल्ली लौट चुके हैं। लालू यादव के भारत लौटने के बाद से ही बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि अगले कुछ समय में बिहार में सियासत में भी काफी उथल पुथल होने वाली है। आरजेडी के कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश नजर आने लगा है। आरजेडी के ट्विटर हैंडल से कई बार विरोधियों पर चुटीले अंदाज में तंज कसे जाते हैं। अब एक बार फिर आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ है, जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव धूप से बचने के लिए अपने हाथों को आंखों के ऊपर रख कर देख रहे हैं। तस्वीर के कैप्शन में लिखा गया है कि भाजपा बिहार में कहीं नजर नहीं आ रही है। इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लालू की दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य ने लिखा, वाह तेजस्वी, पढ़ाई दवाई कमाई और सिंचाई की तूने बातें करके बीजेपी जैसी दंगाई पार्टी को बिहार से नामो निशान मिटा दिया। बता दें, लालू की दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य हाल फिलहाल के दिनों में काफी सुर्खियों में है। वो राजनीति में तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक टीका टिप्पणी करने में पीछे बिल्कुल नहीं है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की किडनी का ट्रांसप्लांट हाल ही में हुआ है। ये किडनी उन्हें रोहिणी आचार्य ने ही दी है। इस ऑपरेशन के बाद से ही लालू यादव सिंगापुर में थे। वो अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के घर पर ही थे और स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, लेकिन अब वो भारत लौट आए हैं, लेकिन फिलहाल वो दिल्ली में ही रहेंगे। लालू यादव किडनी सहित कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। लालू प्रसाद की दोनों किडनी 28% ही काम कर रही थी, जिसके कारण डॉक्टरों ने ट्रांसप्लांट की सलाह दी थी। इसके बाद रोहिणी ने अपने पिता को एक किडनी देने का फैसला किया था। पिता को किडनी देने को लेकर लालू यादव की बेटी की जमकर सराहना भी हुई थी।